जी जनाब, तो ये है खाली बोतल। अभी हम जा रहे हैं ऊँटनी का दूध कहाँ और कैसे निकलता है वापस लेकर आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस दूध को गर्म करने के बाद इस दूध का जायका कैसे है। आइए फिर चलते हैं। ओ दादी कलाना फोड़ चुकी है जरा ले। ओ देने हम भार देने से खा दो देने। ये जा रहे हैं जी ऊँटनी का दूध निकालने। ये ऊँटनी का बच्चा और ये बर्तन। ये ऊँटनी का बच्चा कोशिश कर रहा है कि मुझे माँ का दूध पीने को मिल जाए। खैर, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। ये जनाब ऊंट का दूध निकाला जा रहा है। मेरा को अच्छा, तो जनाब रोजाना कितना दूध निकाल लेते हैं इस ऊँटने का? आप 2 किलो निकाल लेते हैं। अच्छा, सुबह किस वक्त निकालते हैं और शाम को किस वक्त निकालते हैं? 7 से शाम को 7 बजे। अच्छा, वाल 3 बजे। ये हमें कहा गया है कि ये पहाड़ी डाची है, इसके पास ना जाओ वरना हो सकता है कि भाग जाए। हम दूर से दिखा रहे हैं कि ये दूध निकाला जा रहा है ऊँटने का। जी, तो हमने वो प्रोसीजर देख लिया किस तरह से ऊँटनी का दूध निकाला जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें हमारी बोतल में दूध मिल जाए। अगर दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आइए फिर चलते हैं, इन्हें कहते हैं कि हमारी बोतल में दूध भी दे दो यार। ये जी हम दूध ले रहे हैं ऊँटनी का। ऊँटनी का जनाब, ऊँट कहाँ दूध देता है? ये पिछला सारा बना उठता भी नहीं। अच्छा जी जनाब, तो ये ऊँटनी का दूध हम ले चुके हैं और अब जाएंगे घर, इसे गर्म करेंगे। वैसे यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया और इन लोगों ने सराकी जबान में ये बताया कि ऊँटनी का दूध पूरे भावलपुर में बहुत सारे लोग पी रहे हैं। तो अब आपको जाते हैं और जाकर फिर गर्म करने के बाद बताते हैं कि इस दूध का फ़ायदा क्या है। चले आए, फिर चलते हैं। ऊँटनी का वो दूध है जो हम बॉयल कर चुके हैं और अब हम ज़रा पी के आपको बताते हैं ये है कैसे। अच्छा है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं खोया खा रहा हूँ। अगर आप भैंस और गाय का दूध पीते हैं वो बस ठीक होता है, मगर ये हम दोबारा पीते हैं। ये ऐसे लग रहा है, एक तो ये दूध है बहुत गाढ़ा और ये जो इसके अंदर जो विटामिन सी होते हैं वो गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा होते हैं और इसमें जो आयरन होता है वो गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ऊँटनी का दूध है ये बच्चों की हाइट के इजाफे में भी
بچوں کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کے اضافے میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسے یو اے ای میں اور امریکہ میں, سعودی عربیہ میں سپر مارکیٹ پر یہ دودھ ملتا ہے آپ کو, اور پاکستان میں بھی اب مل رہا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ, اور اگر آپ کو بھی کہیں پر اونٹنی کا دودھ ملتا ہے تو مس مت کیجیے گا, ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اب ہم پی رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ویٹ کم کرنے میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اب ہمارا ویٹ تھوڑا سا بڑھ چکا ہے تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں کراچی, کراچی میں اگر ہمیں اونٹنی کا دودھ ملتا ہے تو پھر ہم وہاں پیئیں.